विलोब्रुक के छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सैम था। सैम 10 साल का था और उसको नेचर से प्यार था और वो बहुत क्यूरियस भी था। उसका परिवार पीढ़ियों से विलोब्रुक में रहता था और उनका घर एक बड़े से बगीचे का मालिक था जो उसके दादाजी ने प्यार से संवारा था। सैम के दादाजी मिस्टर थॉमसन एक रिटायर्ड बॉटनिस्ट थे जिन्हें पौधों और उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना बहुत पसंद था। बगीचा उनका गर्व था, जो रंग बिरंगे फूलों, बड़े बड़े पेड़ों और तरह तरह की सब्जियों और जड़ी बूटियों से भरा था। लेकिन बगीचे का एक कोना अलग था। ये एक छोटी सी जगह थी जो बंजर लगती थी, सूखी मिट्टी और एक भी पौधा वहां नहीं उगता था। सैम अक्सर अपने दादाजी से इस सुनसान जगह के बारे में पूछता था, लेकिन उसे हमेशा वही रहस्यमय मुस्कान और एक दिन समझने का वादा मिलता। एक दिन गर्मी के दिन सैम ने अपने दादाजी को उस बंजर जगह के पास बैठे देखा, गहरे विचार में डूबे हुए। सैम उनके पास गया और पूछा, दादाजी यहाँ कुछ क्यों नहीं उगता? मिस्टर थॉमसन ने सैम की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ये जगह एक खास कहानी को संभालती है सैम, ये हमें कुछ बहुत जरूरी याद दिलाती है। जिज्ञासा से भरे सैम ने ध्यान से सुना जब उनके दादाजी ने कहानी शुरू की। कई साल पहले, तुम्हारे जन्म से पहले, हमारे गांव ने एक भयानक सूखा देखा। नदी सूख गई, फसल मुरझा गई और बगीचा जीने के लिए संघर्ष करने लगा। लोग अपनी उम्मीद खो रहे थे। ये एक कठिन समय था, लेकिन समुदाय ने मिलजुल कर जो कुछ भी उनके पास था बांटने और एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। मैंने इस जगह को बंजर छोड़ने का फैसला किया ताकि हमें उस कठिन समय की याद रहे और एक महत्वपूर्ण पाठ मिल सके। मिस्टर थॉमसन रुक गए, उनकी आंखों में पुरानी यादों का प्रतिबिंब था। सैम, ये बंजर जगह हमारी दृढ़ता और उम्मीद को दर्शाती है। सबसे कठिन समय में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे ये बगीचा, हमारा समुदाय भी जीने और फिर से खिलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये जगह हमारी शक्ति और सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि अपने आत्मा और एक दूसरे का पालन करने की महत्वता का प्रतीक है। सैम चुपचाप बैठे अपने दादाजी के शब्दों को समझ रहा था। उसने इस बंजर जगह के प्रति एक नई इज्जत महसूस की और उस पाठ को समझा। उस शाम उसने अपने दादाजी से पूछा कि क्या वो बगीचे में मदद कर सकता है। मिस्टर थॉमसन ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया और दोनों ने मिलकर गर्मी की छुट्टियों में पौधों का ध्यान रखा, कहानियां बांटी और भी करीब आए। एक दिन जब वे साथ साथ काम कर रहे थे, सैम ने कुछ अद्भुत देखा। एक छोटा सा हरा रंग का पौधा उस बंजर जगह से उग रहा था। उसने अपने दादाजी को इसके बारे में बताया, जो उसे देखने के लिए झुक गए। आश्चर्य भरी नजरों से मिस्टर थॉमसन बोले, ये एक संकेत है सैम, ये उम्मीद और नवजीवन का प्रतीक है। सबसे असंभव जगह में भी जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो छोटा पौधा एक सुंदर सूरजमुखी का फूल बन गया, जो ऊंचा और रोशन खड़ा था। ये पूरे गांव के लिए उम्मीद का एक दीपक बन गया, जो सबको याद दिलाता था कि दृढ़ता की ताकत और कभी हार ना मानने की महत्वपूर्णता क्या होती है। सैम ने उस दिन सीखा कि विपत्ति के समय में भी हमेशा उम्मीद होती है। उम्मीद का बगीचा, जैसा कि उसे कहा जाने लगा, उसके और उसके दादाजी के देखरेख में खिल उठा और सूरजमुखी का फूल विलोब्रुक की अमर आत्मा का प्रतीक बन गया।